नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली कल मैं दिन भर नहीं हूँ शायद ऑफिस में, और आज रात को भी मुझे बाहर जाना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी वीडियो बना रहा था। आज बैंक निफ्टी में एक दायरे के बीच में मूवमेंट की, जैसे कि मैंने बताया था, ये जो मंडे को 30 तारीख को जो हाई बना था वहाँ से जो एंगल गया हुआ है वो, और नीचे जो बॉटम बना हुआ था 30 तारीख को वहाँ से जो डाउनवर्ड एंगल गया है वो, अब ये दोनों के बीच में जब तक मूवमेंट है तब तक बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम करने की कोशिश करेगी। अभी जैसे कि नीचे के साइड में 39,200 के आसपास रेंज आ रही है, और ऊपर की साइड में जो आ रही है वो रेंज आ रही है करीबन 41,500 का रेंज आ जाएगा। तो अभी जो है उस हिसाब से थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने आज के दिन में वोलेटिलिटी कम करके लो एक साइडवेज मोमेंटम थोड़ी सी दी है, लेकिन साइडवेज मोमेंटम भी नहीं है, अच्छी खासी वोलेटिलिटी। सुबह से देखेंगे तो अच्छी खासी वोलेटिलिटी है, लेकिन सुबह के मोमेंट में अगर आप काम नहीं कर पाए तो बाद में फिर साइडवेज ही मोमेंटम था, वो भी 500 पॉइंट के रेंज में उसने मोमेंट दी। अब एक्सपायरी के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं थी आज की मोमेंट, लेकिन जैसे कि कल आपने देखा होगा ये जो फॉल आया था और वहाँ से एक यहाँ से जो एक हाई मारा था क्लोजिंग में, वो हाई के ऊपर आप अगर ये डाल देते हो अपवर्ड एंगल डाल देते हो, ये अपवर्ड टाइम एंगल है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये अपवर्ड एंगल टाइम एंगल अगर डाल देते हो तो इसमें क्या होता है कि नीचे ओपन हुई और वहाँ से बैंक निफ्टी बहुत ज़ोर से ऊपर आई, और मैंने आपको ये बताया है कि जब तक अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होगा तब तक तो ये बाय होने वाला नहीं है। तो ये मेन एक अच्छा खासा हाई था, वहाँ पे एक वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई। नीचे आने के बाद अभी इसने एक काम क्या किया है कि कल का लो नहीं तोड़ा है, तो वो जब तक टूटा नहीं है तब तक तो ठीक था, नहीं तोड़ा, वापस वहाँ से नीचे आ गई। नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे पूरा साइडवेज मोमेंटम रख दिया। अब आप देखेंगे फिर हम लोग क्या करते हैं कि अभी क्लोजिंग में देखिए ये मार्केट चालू है, अभी यही टाइम एंगल के यहाँ पे वो खेल रही है। जैसे कि कल यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा है, नाम के लिए लो मारा है, और अगर आपने यहाँ पे ये टाइम एंगल को शिफ्ट किया कि बाय सिग्नल हुआ है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि सेकेंड कैंडल जो है वो अब तक क्रॉस नहीं हुआ है, मतलब ये हाई के ऊपर ही कहीं पे ये बाय होने वाला है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते कि ये भी वही इम्पोर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक दो कैंडल वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, और उसके बाद ही यहाँ पे बाय सिग्नल के लिए काम करना बेटर रहेगा। इसके लिए मैंने 40,800 माइनर बाय सिग्नल विल जनरेट करके मैंने लिखा है, क्योंकि मेरा ध्यान ये है कि ऊपर जाके ये थोड़ा सा वापस रुलाने का कोशिश करेगा। अब इसके बाद जैसे कि आपको मैं आज का ये जो है बाय और सेल कहाँ पे हुआ है, ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक अच्छा लिया। इसके बाद देखेंगे तो अभी आप देखो यहाँ पे ये लो मारा, इसके नीचे ये लो मारा, तो ये जो टाइम एंगल है ये भी काम किया हुआ है। आप क्लोजली देखेंगे तो ये भी काम किया हुआ है, ये टाइम एंगल के हिसाब से थोड़ा सा माइनर बाय आया हुआ है, लेकिन हमको मेन को ही थोड़ा रेफरेंस देना है। फिर इसके बाद यहाँ से ये आके यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस ही है, तो सेल सिग्नल कहाँ पे आया, आप मुझे पूछोगे सेल सिग्नल कहाँ पे आया, तो सेल सिग्नल आज बैंक निफ्टी में जनरेट कुछ हुआ ही नहीं खास, क्योंकि जैसे कि आप अगर एक बोल सकते हो कि यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो मारा, तो जैसे कि ये डायरेक्ट आया तो ये फर्स्ट लो था और ये सेकेंड लो था। अब देखा जाएगा तो यहाँ से ये हाई कितना था, तो ये बहुत लंबा है वैसे कोई ये ही नहीं, तो इसके लो इसके
देखा जाएगा तो इसके नीचे सेल सिग्नल हो जाता था, इसके लिए यहाँ पे ये पकड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे इसका ये लो का जो है डाउनवर्ड एंगल एग्जैक्ट पकड़ा हुआ है, और यहाँ से मूवमेंट ऊपर आके अभी ये अपवर्ड एंगल में बाय देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लो के नीचे लो मारेगा तो ही ऊपर में बाय के लिए प्रिपेयर होने वाला है, और लो के नीचे लो मार के डाउनवर्ड एंगल में पकड़ेगा तो वो बेटर कंडीशन रहती है। अगर जैसे कि हम ऐसे भी देखते हैं कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, हम लोग छोटा छोटा चेक कर रहे हैं, चेक करने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी सेकेंड कैंडल ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे भी सेकेंड कैंडल ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल आया, सेकेंड कैंडल ग्रीन आके वापस उसको भी तोड़ा नहीं है। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें मतलब यहाँ पे कैसे देखना है, ये फर्स्ट कैंडल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे इसको शिफ्ट करना पड़ता है, नीचे आया करके शिफ्ट करने के बाद सेकेंड कैंडल जो है ग्रीन आई, और ग्रीन आने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल गई। तो आप कहीं से भी चेक करो, घुमा फिरा के कैसे भी चेक करो, दिखने वाला सेम ही है। तो यही बात, ये टाइम एंगल की स्पेशलिटी है कि आपको दिखाएगा तो सब सही तरीके से ही दिखाएगा। अगर आपको छोटा बाय करना है तो ये लो के नीचे ये लो मारा, आप यहाँ पे बाय का काम कर सकते हो। यहाँ से देखिए ये सेकेंड कैंडल की, लेकिन मूवमेंट आया नहीं क्योंकि वो ये इसके लिए वेट कर रहा है, ये क्रॉस करने के लिए वेट कर रहा है। तो कल के लिए सपोर्ट के तौर पे 40,400, 40,000, 39,680 ऐसे, ये जो लो है ये लो के नीचे एक थोड़ा सा सेल सिग्नल जनरेट होगा, और वो है 39,900 या तो 40,000, 39,900 के आसपास आ रहा है वो, 39,900 एक ऐड कर देता हूँ, 39,900 मैं कल नहीं हूँ, कल शायद मैं आपको दे नहीं पाऊँ। अगर मैं जल्दी ऑफिस में आ जाऊँगा 12 बजे के करीब तो मैं फिर मैसेज दे दूँगा। तो बाय सिग्नल ऊपर जनरेट होने वाला है, ऊपर की तरफ मैंने रेजिस्टेंस के पॉइंट भी दिए हुए 40,900, 41,125 और 41,500। अब जैसे कि मैं अभी आपको निफ्टी में बता देता हूँ कि निफ्टी में तो एकदम ही दायरे में ही काम किया, जैसे कि मैंने हम लोग ने बैंक निफ्टी में देखा कि कल का लो से जो हाई बना उसका अपवर्ड एंगल के आसपास बैंक निफ्टी खेल रही है, लेकिन निफ्टी ने उधर तक जाने की कोशिश भी नहीं की, और निफ्टी ने एक काम किया कि ये जो लो है वही एग्जैक्ट वैसे ही सेम मैनर में इसने यहाँ पर ये बाय किया। सिर्फ अगर आप क्लोजली देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पर एक छोटा सा बाय सिग्नल दिया है, ये लो के नीचे लो मारा, यहाँ पे बाय दिया है, और यहाँ पे आपको अगर मूवमेंट मिले उसमें भी ऐसे आपको खास कुछ अब मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे भी लो के नीचे लो मारा हुआ है, ऊपर की साइड में गया नहीं है, और रेजिस्टेंस जो है वो परफेक्ट यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो ऑल इन ऑल ये है कि निफ्टी में भी कुछ सिग्नल खास जनरेट नहीं हुए, और सिर्फ लो के नीचे लो पकड़ के ये डाउनवर्ड एंगल में पकड़ा हुआ है, बाय सिग्नल ऐसा कुछ जनरेट नहीं हुआ। अगर आप ये लो के नीचे लो आया करके ये हाई से अगर आप डालते हो तो वहाँ से भी ये सिंगल कैंडल ही है, तो कुछ खास हुआ ही नहीं है निफ्टी में, साइडवेज मोमेंटम ज़्यादा हुई है। तो सपोर्ट के तौर पे अगर आप देखते हैं, रेजिस्टेंस के तौर पे 17,710 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होगा, 17,770, 17,900 और 18,050, और सपोर्ट के तौर पे 17,480, 17,350 गुड सपोर्ट बिलो दिस सेल ऑफ एक्सपेक्टेड। यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ, 17,480 के नीचे सेल है बराबर है, और 17,300 ये 300 कर दीजिए आप, 300 राउंड फिगर कर दीजिए, हाँ, तो इसके नीचे एक सेल ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगा। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लो है, ये लो जब तक टूटता नहीं तब तक खराबी नहीं होगी, तब तक साइडवेज मोमेंटम रहेगा, अब ऊपर में आने की कोशिश करेगा, और बैंक निफ्टी में भी सेम ही व्यू रहेगा क्योंकि ये जब तक टूटता नहीं है, बैंक निफ्टी में ये लो जब तक टूटता नहीं तब तक साइडवेज मोमेंटम करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी कैसे यहाँ पे अपवर्ड एंगल में जाके रुक गई। तो निफ्टी में भी मैंने बताया आपको आज के रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट,
अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।